इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य की अचानक तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर आगरा के पुष्पांजलि हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि रामलला मामले में जगत गुरु की गवाही के बाद हिंदू पक्ष में फैसला आया था। और अधिक जानकारी के लिए जुड़ेंगे अपने संवाददाता अंकुर कुमारिया के साथ। जी अंकुर, जैसा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की अचानक तबीयत खराब हो गई, तो कब की ये घटना है, कब उनकी तबीयत खराब हुई और कहां पर हुई? भारती, देखिए, जगत गुरु रामभद्राचार्य को रात से ही तकलीफ हो रही थी, उनको बेचैनी महसूस हो रही थी और वो अपने सीने में दर्द बता रहे थे। जो उनके भक्त थे, जो उनके नजदीक थे, वो रात भर उनका उनको सहलाते रहे, उनको उनका ध्यान रखते रहे, लेकिन जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें आगरा लाया गया। आगरा के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है, डॉक्टरों की टीम उनको मॉनिटर कर रही है। अभी हमारी डॉक्टर्स की टीम से बात हुई, उन्होंने कहा कि जगतगुरु भद्राचार्य जी अब खतरे से बाहर हैं, उनके चेस्ट में इंफेक्शन था जिसकी वजह से उनको तकलीफ हो रही थी, लेकिन अभी भी उनको मॉनिटर किया जा रहा है, लगातार उनको आईसीयू में वो एडमिट है और उनको मॉनिटर किया जा रहा है। डॉक्टरों की एक विशेषज्ञों की टीम जो है लगातार उनकी जांच कर रही है। जी अंकुर, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की तबीयत के लिए डॉक्टर्स का क्या कहना है? देखिए, डॉक्टरों से हमारी बात हुई है, रात में उनको तकलीफ हुई थी, मौसम बदल रहा है तो उनके चेस्ट में इंफेक्शन, जो जांच उनकी जब करी गई तो उनकी चेस्ट में इंफेक्शन डिटेक्ट हुआ है, जिस वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और बेचैनी महसूस हो रही थी, हल्का दर्द भी उनको चेस्ट पे हो रहा था। तो इसी लिहाज से खतरे को देखते हुए उनको आगरा लाया गया और यहाँ पर पुष्पांजलि गया। जैसे ही उनको लाया गया, डॉक्टरों की एक विशेषज्ञों की टीम जो है उनकी पूरी बॉडी का निरीक्षण किया गया, जिसमें उनके चेस्ट में इंफेक्शन डिटेक्ट हुआ है जिसका इलाज किया जा रहा है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि वो अभी खतरे से बाहर हैं और घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर उनको लगातार आईसीयू में मॉनिटर किया जा रहा है। जी अंकुर, किस डॉक्टर की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है? देखिए, जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, चेस्ट विशेषज्ञ हैं, कार्डिक विशेषज्ञ हैं, उस टीम के अंदर जो लगातार भद्राचार्य जी को मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार उनके चेकअप्स हो रहे हैं और डॉक्टर्स की टीम ने हमें बताया है कि अब उनकी खतरे से बाहर है, उनकी तबीयत ठीक है, उनको रिलैक्स दे दिया गया है, उनको निमोलाइजर दिया गया था और जिसके बाद उनको रिलैक्स मिला है और अब उनकी तबीयत ठीक है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर उनको अभी मॉनिटर किया जा रहा है विशेषज्ञ टीम से। जी जी अंकुर, जैसा कि गुरुजी को आगरा के हॉस्पिटल पुष्पांजलि में ले जाया गया, उन्हें दिल्ली के किसी बड़े हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जाया गया, क्योंकि वो एक विशेष व्यक्ति है? क्योंकि भद्राचार्य जी यहाँ आगरा के नजदीक थे, इसीलिए उनको आगरा लाया गया है और ये सब उनके भक्तों ने तैयारी कर रखी थी कि अगर उनको कोई डिजीज डिटेक्ट होती है तो दिल्ली ले जाने की भी व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन उनकी तबीयत अब ठीक है, उनको आराम है, लिहाजा अभी उनको आगरा में ही रखा जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा और उनकी तबीयत अब ठीक है, खतरे से बाहर है, डॉक्टरों ने निरीक्षण के दौरान ये कहा है। जी अंकुर, बहुत बहुत धन्यवाद समस्त जानकारी के लिए। आपको एक बार फिर बता दें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आगरा के पुष्पांजलि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि रामलला मामले में जगत गुरु की गवाही के बाद हिंदू पक्ष में फैसला आया था।